अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम ग्राउंड से ग्राउंड फेंकते हैं तो वी वेलोसिटी से फेंका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट वी साइन थीटा, प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ गिरा, जमीनी डिस्टेंस को, जमीन के ऊपर ट्रेवल किए हुए डिस्टेंस को क्या नाम देते थे? रेंज। तो ये फुटबॉल की या प्रोजेक्टाइल की ग्राउंड की हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसको रेंज बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल ने वाई एक्सिस में मैक्सिमम हाइट कहाँ कवर की? यहां पे कवर की, तो इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। वैसे नॉलेज के लिए बता दूं, मैक्सिमम हाइट मिड पॉइंट में आती है, यानी कि आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू आधे आधे डिस्टेंस के बीच में आती है। चलो अब हम प्रूव करेंगे इसे। तो मैक्सिमम हाइट है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो, हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं रहती। यहां से टॉप के पॉइंट पे पहुंचने के टाइम को टी वन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टी वन का मतलब है टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर चढ़ने का टाइम, और ऊपर से नीचे गिरने को टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। ये प्रोजेक्टाइल कितनी देर के लिए हवा में रहा टी वन प्लस टी टू टाइम के लिए, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, हवा में उड़ने का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टर्म्स याद रहेंगी। तो ये देखो, पहली टर्म है एच एम का मतलब क्या है? मैक्सिमम हाइट। कैपिटल आर का मतलब क्या है? रेंज। टी वन का मतलब क्या है? टाइम ऑफ एसेंट। टी टू का मतलब क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट। कैपिटल टी का मतलब क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। राइट, क्लियर हो गया यहां तक? नाम याद हो गए? तो पहला एक्सप्रेशन है फॉर मैक्सिमम हाइट। कभी भी कोई प्रोजेक्टाइल को जब आप ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको एक्सप्रेशन निकालना है, ये हाइट क्या होगी, इसका फॉर्मूला निकालना है। ये जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूँ ये स्कूल के अंदर पक्का आएंगे, कोई ना कोई थ्योरी में वो स्कूल वाला जो टीचर है वो पूछेगा, तो तीन नंबर का या दो नंबर का कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके अंदर एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अगर आपको निकालनी है तो आपको ये मैक्सिमम हाइट वाई में नजर आ रही है कि एक्स में नजर आ रही है? एक्स इज वाई, वाई में हाइट कवर हो रही है या एक्स में? वाई में हो रही है। तो आप अपनी इक्वेशन वाई में लगाएं। अब ये बताएं, ये ध्यान से देखने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखें इधर। यहां से अगर यहां गए, यहां से यहां गए, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी क्या है? y में जीरो, सही है? तो इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में v sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी जीरो, राइट? y एक्सिस में डिस्टेंस कितना कवर हो गया? hm, hm भाई, hm ये रहा हाइट, डिस्टेंस मतलब hm हाइट, तो हाइट कितनी कवर हो रही है? hm। तो देखो ना, जब यहां से यहां बॉडी ऊपर आ गई तो कितना y का डिस्टेंस कवर हो गया? hm। कोई डाउट इसमें? ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है तो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? -9.8। तो मैं सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख लिया, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी वी साइन थीटा, वाई एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी कितनी है? टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो। ऊपर जाने की एक्सेलरेशन कितनी है? माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एच एम। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दें वाई एक्सिस में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह जीरो, इनिशियल वेलोसिटी की जगह v sin थीटा का स्क्वायर, टू एक्सेलरेशन की जगह माइनस g और डिस्टेंस की जगह hm। माइनस से माइनस कैंसिल, v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला रजिस्टर में ये डायग्राम बनाओ और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूले को नोट करो, ये डायग्राम बनाओ और फॉर्मूला रजिस्टर में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला नोट करो।